नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। देखो, पंजाब विच तां पहली बार कॉन्सटेबल दे एग्जाम हो रहे ने, तां करके आपां कोई एस्टीमेट नहीं लगा सकते कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे किस टाइप दे क्वेश्चन एग्जाम विच बन सकते हैं। इस करके मैं जिहड़ा राजस्थान कॉन्सटेबल सी, दिल्ली कॉन्सटेबल अते यूपी कॉन्सटेबल दी जिहड़ी भर्ती हुई सी, उहनां दे एग्जामां नूं एनालाइज़ कीता ते चैक कीता कि जिहड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटड किस टाइप दे क्वेश्चन कॉन्सटेबल दे एग्जाम विच पुछे जा सकते हैं। उहनां एग्जाम नूं एनालाइज़ करन तों बाद मैनूं इक गल मैं नोट कीती है कि मोस्टली जिहड़े क्वेश्चन ने इसरो रिलेटड, अपने स्पेस रिसर्च रिलेटड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन रिलेटड मैं पहला भी थोड़ा एक क्लास प्रोवाइड करवा दी है, तो अज आप सैकेंड क्लास स्टार्ट कर लगे। जो तुम फस्ट क्लास इसकी नहीं देखी तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं तुम्हें उस वीडियो का लिंक दे देंगा, जाके फस्ट चैप्टर भी जरूर एक बार वीडियो में देख लियो। तो क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, जाक्सा डैस की पुलाड एजेंसी है, यह जापान की है, जिमें अपनी इंडिया की इसरो है, उसी तरह जापान की जी जाक्सा है। क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए, केड़ी पुलाड़ एजेंसी दिसंबर 2021 मनुख रहित पुलाड़ यान गगनयान लॉन्च करेगी, मतलब कि केड़ी एजेंसी है, केड़ी स्पेस एजेंसी है जिहड़ी गगनयान लॉन्च करेगी 2021। तो इसरो अपनी भारतीय जिहड़ी स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन है, वह गगनयान लॉन्च करेगी 2021। क्वेश्चन नंबर 43 की गल करिए, इसरो ने ब्राज़ील के उपग्रह अमेजीनिया 1 नूं किस यान नाल लॉन्च किया सी। इसरो ने एक ब्राज़ील का उपग्रह सी अमेजीनिया नंबर 1, तो उसनों किस रॉकेट नाल लॉन्च किया सी, तां PSLV-C51 रॉकेट नाल लॉन्च किया गया सी इसनों। तो क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए, इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 3 कदों लॉन्च किया गया सी। याद रखो, मिशन यान चंद्रयान भी है, सिर्फ चंद्रयान मिशन 2 भी है, चंद्रयान मिशन 3 भी है। तो इतने आप गल चंद्रयान मिशन 3 की गल करिए, कदों लॉन्च करेगी इसरो अपनी भारतीय जी रिसर्च है, स्पेस रिसर्च एजेंसी है, वह 2022 मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करेगी। क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए, मनुख रहित गगनयान मिशन विच किस नाँ की महिला रोबोट नूं पुलाड़ विच भेजा जाएगा, मतलब कि गगनयान जदों लॉन्च किया जाएगा तो उस विच एक महिला रोबोट नूं भेजा जाएगा, तो उसका नाम की है, वियो मित्र नाम की एक महिला रोबोट है। एंड क्वेश्चन नंबर 46 की गल करिए, किहड़ी पुलाड़ एजेंसी संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया गया, मतलब किहड़ी पुलाड़ एजेंसी द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च किया गया, तो इसरो द्वारा किया गया, मतलब ये संचार उपग्रह CMS-01 मॉडल है जिसका उसनों इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, अते केड़े वाहन द्वारा, केड़े रॉकेट द्वारा इसनों स्पेस विच भेजा जाएगा, PSLV-0C50 द्वारा भेजा जाएगा, अते यह भारत का 42वां उपग्रह संचार का उपग्रह है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, केड़ी भारतीय संस्था ने बेंगलुरु विच नेत्रा नामक एक पुलाड़ स्थिति जागरूकता नियंत्रण केंद्र स्थापित किया है, तो इसरो ने ही नेत्रा बेंगलुरु विच स्थापित की हुई है। तो नेत्रा का पूरा रूप की है, तो नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इसका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, मिशन चंद्रयान 2 कदों लॉन्च किया गया सी। मिशन चंद्रयान 22 जुलाई 2019 लॉन्च किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, मिशन चंद्रयान 2 के रोवर और लैंडर का नाम की सी। तो रोवर का नाम तो प्रज्ञान सी, लैंडर का नाम विक्रम सी। तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जी तुसी पोलिटी, डिजिटल लिटरेसी, इकोनमी, पंजाब जीके एंड सिगुरु हिस्टरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो, तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुसी इन्ना इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर लिया, जो तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इन PDF फाइल में एक बार जरूर बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट कर लियो। तो हुण क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए, भारत का रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र सतीश धवन पुलाड़ केंद्र कित्थे स्थित है, मतलब एक नाम है, एक केंद्र का एक मतलब सेंटर का नाम है सतीश धवन पुलाड़ सेंटर, वह मतलब कि रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है, यह है कित्थे है, श्री हरिकोटा विच स्थित है, यह भारत का एकमात्र जिहड़ा लॉन्चिंग रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 52 की गल करिए, चंद्रयान 1 मिशन कदों लॉन्च किया गया सी। तो हुण आपां चंद्रयान मिशन 3 की गल कर लिया, चंद्रयान मिशन 2 की गल कर लिया, तो हुण 52 नंबर क्वेश्चन की कहिंदा, चंद्रयान मिशन 1 कदों लॉन्च किया गया सी, तां 22 अक्टूबर 2008 नूं किया गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 53 की गल करिए, पुलाड़ विच जाण वाला पहला व्यक्ति कौन सी, मतलब कि ऑल वर्ल्ड का पहला व्यक्ति कौन सी, तो एग्जाम विच याद रखियो
पूछा जा सकता कि भारत में जाने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन सी, तो वह अलग चीज़ है। तो जे पूछा जाए पुलाड़ में जाने वाला सब तो पहला व्यक्ति कौन सी, ये ऑल वर्ल्ड बारे पूछा गया। पहला व्यक्ति यूरी गागारीन रूस तो बिलोंग करता सी, ये व्यक्ति जो सब तो पहली बार पुलाड़ में गया सी। क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए, पुलाड़ में जाने वाली पहली फीमेल औरत कौन सी, तो वैल्टीना तेरेस्कोवा पहली औरत सी जो पुलाड़ में गई सी। क्वेश्चन नंबर 55 की गल करिए, सब तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट भी होया तो पूछा भी गया कि पुलाड़ में जाने वाला पहला जानवर केड़ा सी, तो लाइका नाम की एक फीमेल डॉग सी, लाइका नाम की मादा कुत्ता सी, मतलब कि फीमेल डॉग सी जिसका नाम लाइका सी, वह सब तो पहला जानवर से जोड़ा पुलाड़ में गया सी। तो क्वेश्चन नंबर 56 की गल करिए, पुलाड़ में चलन वाला पहला व्यक्ति कौन सी, तो एडवर्ड वैट नामक एक व्यक्ति जोड़ा पुलाड़ में जोड़े स्पेस में वह चल के गया से, मतलब चल के गया नहीं सी, गया तो रॉकेट थ्रू सी, तो रॉकेट तो उतर के उत्थे उसने मतलब कि पहली बार हवा में चल तो सकते नहीं सी, हवा में तैर के उसने दिखाया सी। क्वेश्चन नंबर 57 की गल करिए, पुलाड़ में जाने वाला पहला एशियाई कौन सी, तो फैम तुहान नामक एक व्यक्ति सी जिहड़ा अपने एशिया का सब तो पहला बंदा सी जिहड़ा गया सी। तो दोस्तों यही इसरो रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी तुम्हें करा दिए ने, पर तुम्हें पता है कि ISRO यानी इसरो का फुल फॉर्म की है, जे तुम्हें पता है तो वीडियो में कमेंट करके मैं जरूर दस दौ कि सर ISRO इसरो का फुल फॉर्म यह है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 की गल करिए, इसरो ने GPS नू बदलन लई किस नाम नाल एक नैविगेशन ऐप लॉन्च की है, तो नैविक नाम की एक ऐप लॉन्च की है। तो क्वेश्चन नंबर 59 की गल करिए, नैविक का पूरा नाम क्या है, की है तो नैविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलिकेशन नामक इसका पूरा फुल नेम है। नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, इसरो ने गूगल मैप्स वर्गी स्वदेशी सेवा विकसित करने लिए किस नाल समझौता किया है, तो मतलब कि इसरो ने एक जिवें गूगल मैप है अपन सारे मैप रस्ते दिखा देंगे, उमें ही एक अपने इंडियन ऐप वास्ते एक समझौता किया है कि अपना इंडिया का भी अलग मैप हो, मतलब कि अगल अलग ऐप हो, तो उसने किस नाल समझौता किया, तो मैप माई इंडिया नामक एक ऐप है इसरो ने इस नाल समझौता किया हो। कि क्वेश्चन नंबर 61 की गल करिए, इसरो द्वारा देश की सरहदा ते आसानी नाल नज़र रखने लिए कि शक्तिशाली रडार इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया है, तो RISAT-2BRI-1। क्वेश्चन नंबर 62 की गल करिए, इसरो ने नेत्रा सैटेलाइट लॉन्च किया है, यह उपग्रह किसने बनाया, यह DRDO द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 की गल करिए, इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-71 उपग्रह किस रॉकेट नाल लॉन्च किया, तो GSLV-F11 द्वारा यह अंतरिक्ष में भेजा गया सी। क्वेश्चन नंबर 64 की गल करिए, जनवरी 2021 स्पेस एक्स ने इको समय किन्ने उपग्रह भेज के पुलाड़ में सब तो वध उपग्रह संचार भेजण दे इसरो दे रिकॉर्ड नूं तोड़ दिता, मतलब कि स्पेस एक्स ने उपग्रह भेजे ने काफ़ी, तो किन्ने भेजे ने 143 उपग्रह भेजे ने। इस तो पहला अपनी इंडियन सी जी इसरो ने 104 उपग्रह भेज के रिकॉर्ड बनाया हुआ सी, कट्ठे ये 104 उपग्रह इंडिया ने भेजे से इसरो वालों, तो इस बाद स्पेस एक्स ने 143 भेज के इसरो के रिकॉर्ड को तोड़ दिता। जे हुण इत्थे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछा जा सकता है सब तो ज़्यादा उपग्रह किहड़ी स्पेस एजेंसी ने भेजे ने, कट्ठे किहड़ी स्पेस एजेंसी ने उपग्रह भेजे ने, तो स्पेस एक्स है, तो जे भारत वालों पूछा जाए तो इसरो ने 104 उपग्रह भेजे से। क्वेश्चन नंबर 65 की गल करिए, इसरो आंध्रा प्रदेश में श्री हरिकोटा तो बाद किस भारतीय राज में एक रॉकेट लॉन्च पैड स्थापित करेगी, पहला इको एक सी अपने को श्री हरिकोटा जिम्मे तुम्हें मैं पहला दस दिता है, उस विच रॉकेट लॉन्च करने वास्ते एक पैड बनाई हुई सी, हुण इन्हां ने एक होर बनाने की सोचा हुआ है कि वह कित्थे बनाया जाएगी, तो कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु का एक एरिया है, एक मतलब कि पिंड है, उत्थे रॉकेट लॉन्च नवा बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की गल करिए, भारत और डैश देश पुलाड़ एजेंसी धरती निरीक्षण उपग्रह को लॉन्च करने लिए निसार प्रोजेक्ट शुरू करेगी, तो नासा जिहड़ी USA की स्पेस कंपनी है, ये तो उन्होंने नासा और भारत की इसरो के विचकार एक निसार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है जिहड़ा धरती का निरीक्षण करेगी। क्वेश्चन नंबर 68 की गल करिए, ग्राम पंचायत की सहायता लिए इसरो द्वारा किहड़ा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो भवन पंचायत V3.0 नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। तो कुछ इन्हों की फुल फॉर्म भी तुम ध्यान में रखियो
PSLV ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ, ਤੇ GSLV ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਸਿੰਕਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ, ਤੇ ASLV ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਯੁਗਮੈਂਟਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਰੋ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਮੰਗਲਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ, 5 ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ PSLV-C25 ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 71 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਰੋ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 1 ਕਿਸ ਰਾਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 70 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਲਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਚੰਦਰਯਾਨ 1, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2008 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, PSLV-C11 ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 72 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰੋਕਟ ਨਾਲ CMS-1 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਕਟ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, PSLV-C50 ਰੋਕਟ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 73 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੋਕਟ ਨਾਲ ਐਮੀਸੈਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਮੀਸੈਟ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਐਮੀਸੈਂਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ PSLV-C45 ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰੋਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਮੀਸੈਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਮੀਸੈਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 75 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਰੋ ਨੇ RESAT-2B ਉਪਗ੍ਰਹਿ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ PSLV-C46 ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ RESAT ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਡਾਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਰਥ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 70 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਰੋ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕਾਲਮਸੈਟ-B2 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਰੋਕਟ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ PSLV-44 ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਕਟ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲਮਸੈਟ-B2 ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 78 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਰੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ IISU ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿਰਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ IISU ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਦਿਆਲ ਦੇਵ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 80 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਂਟਰਿਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਂਟਰਿਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 81 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰੋਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਪਰਾਈਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਰੋਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ।